Today is 21st of November 2024. I am again in Viman Nagar, Pune, and today I will give some reflections on the important scenes of the film Garam Masala, not in importance order, but in the sequential order. जो भी कुछ important बाद में समझ में आएगा उसको वैसे commentary हम कर देंगे. So let's begin. इसकी गालियां आप देखिए. पहले तो लड़के ने बोला स्ट्यूपिड एंड देन ही सेइंग इडियट ब्लडी जूनियर. तो इसकी डिलीवरी देखिए और इसकी कॉन्ग्रुएंसी देखिए और ऑथेंटिसिटी देखिए. जिस प्रकार से डिलीवर किया गया है, ये ऐसी गाली है जो सामाजिक रूप से एक्सेप्टेबल है और ये एक फनी माहौल क्रिएट करती है और ये सीधे जाके आदमी के सीने में जाके चुभती है. तो इसका हमने कई बार प्रयोग किया है ऐसी जगहों पर जहां पर कुछ गंदी गाली देना अलाउड नहीं था. जैसे कि व्हेन आई वाज मैथ्स फैकल्टी फॉर 9 इयर्स इन मुंबई एंड दिल्ली एंड नोएडा, तो वहां पर क्लास में बच्चों को आप गंदी गाली नहीं दे सकते हो, लेकिन आप उसको स्टूपिड बोल सकते हो एक ऑथेंटिसिटी के साथ में सही मोमेंट पर. तो क्लास में एक हंसी का माहौल पैदा होता है, बच्चे तक बात कम्युनिकेट होती है और जो गाली देनी होती है वो लग जाती है. सो इडियट स्टूपिड. Don't spoil the mood. Come on, put your spoiler. And you please lose some weight here. Mark! Call for you, sir. Who the hell is it? Aapki mangeta hai, Anjali. Junior! Hey, lambe baal wale, kya ko bol raha ho? Ye phone utha, aur phone naya nahi ho. Bol, bol, bol. Put your spoiler. Come on. हाँ भाभी जी, उसने मुझे ये बोलने के लिए बोला कि वो यहाँ पर नहीं है. ए, तुम लोग 1 घंटे के काम के लिए 5-5 घंटे लगा रहे हो? See, इस आदमी की डायलॉग डिलीवरी और इसकी एकदम ऑथेंटिसिटी देखिए, मतलब कितना रियल है ये. और इसकी वॉइस पिच आप देखिए, इसको हमने क्लास में कई बार इस्तेमाल किया है. किसी बच्चे को कुछ काम दे दिया, वो काम नहीं कर रहा है, तो आप उसको ये डायलॉग मार सकते हो, ए तुम लोग 1 घंटे काम के 4-4 घंटे लगा रहे हो, काम कर रहे हो कि तमूरा बजा रहे हो. आपको कहीं पर भी कोई इंसान मिले जब ना काम हो धीरे धीरे कर रहा है, तो आप उसको डायलॉग मार सकते हो उसी ऑथेंटिसिटी के साथ में, जैसे बोला आ, आ, तुम लोग को. अगर लकड़ी पर साड़ी भी लपेट दो ना तो इन लोग सूंघते हुए आ जाएंगे. इस फिल्म को हमने इतने सालों तक, पिछले 15 सालों से ऑलमोस्ट, मतलब वेरी ऑफन देखा है कि इसके एक एक शब्द हमको पकड़ में आते हैं. तो इसने बोला है कि लकड़ी पर साड़ी लपेट दो, ये अपने आप में एक बहुत बड़ी सच्चाई है. पहली बात तो लकड़ी पर साड़ी लपेट दो तो ये लोग सूंघते हुए आ जाएंगे. तो ये लोग नहीं बोला, इसने बोला इन लोग, मतलब कि ये पूरा कैरेक्टर में उतरा हुआ है कि जो मुंबई की जो भाषा होती है ना, इन लोग, ये लोग नहीं, इन लोग सूंघते हुए आ जाएंगे. और यहां पर तो सबसे इंपॉर्टेंट डायलॉग है, वेरी इंपॉर्टेंट डायलॉग. क्या मैं किधर है? क्या काम है? अरे ये बैग के होने वाले बच्चे की माँ है. क्या? जो बैग से मिलना चाहती है. अच्छा अच्छा अच्छा, तो आप है मैग की मंगेतर जी? मैग इस वक्त यहाँ पर है क्या? ऑफ कोर्स है ना, कब से आप ही का तो इंतजार कर रहे. ये कैसे गुजर गया? क्या
है मेरे हाथ में बिस्किट है जो पीछे पीछे आ रहा हो। अरे भाई का डिग्री दोस्त हो भाई। अरे चिड़िया घर है क्या जो किसी भी जानवर आने दिया जाए? तो आप यहां क्या कर रहे हैं? मुझसे बात करो। हाथ मत लगा, हाथ मत लगा, हाथ मत लगा। गुड परफेक्ट। आई कौन है? संचिता अंजलि मुझे कुछ नहीं सुनना है। तुमने मुझे क्या कहा कि तुम ऑफिस से बाहर काम करोगे? तो इस लड़की की डिलीवरी देखो, मतलब वो हम कभी सोचे भी नहीं कि हम इस लड़की को ट्राई करें, इसको मिमिक करें, इसको मिरर करें। मतलब आपको, मतलब जो फिल्म के अंदर जो लोग हिंदी बोलते हैं ना और जो कट टू कट बात डिलीवर करते हैं, ये बहुत बड़ी क्रांतिकारी चीज है। आपको ये बात समझ में नहीं आ रही है? शाहरुख खान क्यों है? अमिताभ बच्चन क्यों है? कादर खान क्यों है? किशोर कुमार क्यों है? क्योंकि आप अपनी सोसाइटी में देखिए, लोग चकर चकर सुबह से लेकर शाम तक बेकार शब्द सोचते हैं और बोलते हैं और सुनते हैं, उसी को रिपीट करते हैं। मतलब अपने रिश्तेदारों में, अपने आस पड़ोस में, दोस्तों के साथ में, प्रेमियों में, कपल्स में आप देखिए, जो वो इंफॉर्मेशन, जो शब्द अपने मुंह से निकाल रहे हैं, उस शब्द, उन शब्दों से मिलकर जो वाक्य बनेंगे, उसमें कोई वजन है क्या? उसमें कोई मजा है क्या? उसमें कोई जिंदगी है क्या? उसमें कोई स्पिरिट है क्या? उसमें कोई ऑथेंटिसिटी है क्या? उसमें वो तीर है क्या जो चला, जो यहां पर चलता है? मतलब यहां पर जो स्क्रीन पे जो तीर चलते हैं, आप समझ रहे हैं, वो पहले से लिखे हुए होते हैं। मैं आपको क्या बोलता हूं कि बोलने का अधिकार सिर्फ शिक्षक को है, क्योंकि शिक्षक के मुंह से निकला एक एक शब्द लिखने योग्य है। शिक्षक के मुंह से निकला एक एक शब्द लिखने योग्य है, और गुलामों के मुंह से निकले हुए शब्द लिखने तो क्या बोलने भी योग्य नहीं है, वो तो सोचने भी योग्य नहीं, और सोचने के पहले उसके ब्रेन में वो बातें चली कैसे गई, वो शब्द कैसे चले गए? गुलाम के दिमाग में ना वो जाने योग्य थे, ना वो रजिस्टर होने योग्य थे, ना वो प्रोसेस होने योग्य थे, ना वो बोलने योग्य थे, और फिर अब लिखने तो क्या ही योग्य है। लेकिन जो बातें यहां पर होती है ना स्क्रीन के ऊपर, वो पहले से लिखी भी होती है। मतलब एक एक शब्द पूरा का पूरा वाक्य जमा हुआ होता है, और उसको बार बार प्रिंट किया होता है, उसको राइटर ने देखा होता है, प्रोड्यूसर ने देखा होता है, डायरेक्टर ने देखा होता है, एक्टर ने देखा होता है, एक्ट्रेसेस ने देखा होता है। आप सोचिए, इसीलिए लोग स्क्रीन पर देखते हैं कि ये अमिताभ बच्चन ने क्या बोला, उसके बाद जया वाधुड़ी ने क्या बोला, उसके बाद ये रंजीत ने क्या बोला, उसके बाद ही शाहरुख खान क्या बोल रहा है, उसके बाद दिव्या भारती क्या बोल रही है, उसके बाद ही ऋषि कपूर घूमते हुए चलते हुए आ रहा है, पीछे से हल्का हल्का म्यूजिक आ रहा है। तो आप लोगों की जो जिंदगी है ना, आपकी जो सोसाइटी है, ये इतनी ज्यादा कलरलेस है, इतनी ज्यादा म्यूजिक लेस है, इतनी ज्यादा चुटकुला लेस है, इतनी ज्यादा स्पॉन्टेनिटी लेस है, इतनी ज्यादा क्या बोल रहा था यार मैं, विटीनेस, और इतने ज्यादा आप समझ रहे हो, उस कॉन्वर्सेशन में, उन संवादों में, उन वाक्यों के एक्सचेंज में कोई स्पार्क ही नहीं है, कोई अट्रैक्शन ही नहीं है, कोई मजा ही नहीं है, जिसको एक राइटर ने सोचा है। और मतलब हमारी जैसी जिंदगी जीने वाला, जो अपनी जिंदगी को एक फिल्म मान के जीता है और जगह जगह जाके एक्टिंग करके आता है, आप समझ रहे हैं ना। आज मॉर्निंग में जो हमने लेक्चर रिकॉर्ड और पोस्ट किया है फीमेल इंट्रैक्शन वाला, उसमें हमने आपको समझा दिया है कि हमारी जो जिंदगी है डेली बेसिस पे और आर्ली बेसिस पे, इतनी ज्यादा फिल्मी है, इतनी ज्यादा नाटकीय है। मतलब एक्टिंग जो है ना, आप समझिए, अब और गहरी बात समझिए, ये लोगों को एक्टिंग करते करते देख रहे हैं लोग और देख रहे हैं, बहुत मजा आ रहा है, तो अमिताभ बच्चन कद बढ़ते जा रहा है। लेकिन असल में वो एक्टिंग क्यों देख रहे हैं? क्योंकि जितना ऑथेंटिक, जितना सही तरीके से, मतलब एक्टिंग क्या है असल में, जो वर्ड है एक्टिंग क्या है, एक्टिंग समझना क्या है? आपकी मम्मी खाना बना रही है, आपके सामने लेकर आ रही है, इट इज एन एक्ट ऑफ कुकिंग, एन एक्ट ऑफ परोसिंग और सर्विंग द फूड, देन एक्ट ऑफ ईटिंग, एक्ट ऑफ ड्रेसिंग, एक्ट ऑफ वॉकिंग। सो चीजों को करने का तरीका,
बात करने का तरीका, चलने का तरीका, सोने का तरीका, बैठने का तरीका, ये तरीका एक्टिंग का तरीका है, और तरीके में ही आपकी सोसाइटी, आपकी सोसाइटी सिर्फ लॉ एंड ऑर्डर में एंड सेल्फ डिफेंस में है, तरीके में नहीं है, क्रिएटिविटी में नहीं, ऑनेस्टी में नहीं, एक्सप्रेशन में नहीं है। इसलिए आपकी सोसाइटी में कैरेक्टर्स नहीं है, इसलिए आपकी सोसाइटी में किसी कैरेक्टर का कोई विशेष बात करने का तरीका नहीं है, उसके बात, उसकी बात सुनने में, उसके डायलॉग को सुनने में इतना मजा आता ही नहीं है। जब वो बात करता है, वो संवाद करता है या कहीं चलता है, तो उसको देखने में इतना मजा आता ही नहीं है जितना मजा बहुत बढ़िया से रिसर्च करके उन शब्दों को सजाकर जिसने डायलॉग बनाया है, उसने इसको दिया है, इसने रिहर्स किया है और फिर वहां पर एक्ट किया है। तो हम ये कहना चाह रहे हैं कि इंसान जिंदगी में अपने डायलॉग डिलीवरी, अपने कम्युनिकेशन को करने के लिए, अपने जिंदगी को जीने के लिए, इनसे ज्यादा से ज्यादा वो जो रियल एक्ट्स है ना, जो असल में वहां नहीं होने चाहिए थे, वो यहां होने चाहिए थे। तो जितनी ज्यादा फाइट मारोगे ना यहां करने के लिए, उतनी ज्यादा आप सुपीरियर बनोगे। तो बात क्या चल रही थी कि हां, मतलब ये एक दो तीन लोग यहां पर बात कर रहे हैं यार, तीन लोग तो कहीं पे भी बाहर निकल जाओ, हर चाय की दुकान पे, सुट्टे की दुकान पे, पता नहीं हर जगह, आप घर में, बाहर, हर जगह बात कर रहे हैं। ये तीन लोग आपस में इंटरेक्ट कर रहे हैं, उनमें से भी एक आदमी यहां पर खाली बैठा हुआ है, और दो ये मेल फीमेल यहां पर कुछ इंफॉर्मेशन एक्सचेंज कर रहे हैं। तो इसको कितने 100 मिलियन लोग देख रहे हैं, करोड़ों लोग देख रहे हैं इस चीज को। इसका मतलब क्या है, क्योंकि ये अपने पूरे चरित्र में फंसा हुआ, ये चरित्रवान व्यक्ति है। तो सोसाइटी में जो असली चरित्रवान व्यक्ति होता है उसको लोग देखते हैं, सुनते हैं, क्योंकि उसकी एक्टिंग बड़ी यूनिक होती है, और बाकी सबकी जो एक्टिंग है ना वो एकदम सेम से मोनोटोनस है, मैकेनिकल है, डुप्लीकेटेड है, मिरर्ड है, मिमिक्ड है। तो हम भी मिरर कर रहे हैं, मिमिक कर रहे हैं, बट बहुत केयरफुली, बहुत कॉन्शियसली, बहुत माइंडफुली जो चीज हमको चाहिए एग्जैक्टली वो मिरर कर रहे हैं। तो इस लड़की के बारे में हम ये कहना चाह रहे हैं कि आप किसी फीमेल को जानते हो क्या जो हिंदी के वाक्यों को इतनी स्पीड से पूरे इमोशन के साथ में, कि इतना मुझे चुभ रही है बात कि तुम उससे मिलने आते नहीं हो, और तुम पता नहीं लड़कियों को कहां कहां छूते रहते हो, और तुम मेरा नाम भूल जाते हो, ये करके कैसे इसने बोल दिया, ये कितनी बड़ी देवी है ये। लॉजिक देखिए, टीवी देखती रहती हूँ, तो मेरी मगे करो, ठीक है, मुझे विश्वास कर, मैं तुम्हें कभी झूठ नहीं बोलूंगा, मैं मुझे विश्वास कर, अब एक काम करो, नेगोशिएशन देखो, तुम मेरी मंगेतर हो तो मैं तुमसे कभी झूठ नहीं बोलूंगा, तो मुझ पर विश्वास करो। क्रोनोलॉजिकली आप देखिए, क्रोनोलॉजी देखिए सेंटेंस, इसको यहाँ क्यों लेके आए? अरे मैंने यहाँ बोला ही मुझे यहाँ पर, मुझे क्या मालूम तुम वो गोपियों साथ रसीला खेल रहे हो, देना है तो पूरा देना, कोई उधारी मत रखना। तो मैंने गाड़ी का किराया ले लिया, गाड़ी पेट्रोल चलती कोई पहचान नहीं चलती। सुनो सुनो सुनो, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, जिंदगी बन गई हमारी तो इस कॉन्सेप्ट से, जिंदगी बन गई साले, एक दूंगा ना, देना है तो पूरा देना, ये गाड़ी पेट्रोल चलती पेशाब से नहीं चलती। मतलब कि कोई भी मसला उठाना, लड़की का हो, पैसे का हो, सेक्स का हो, इकिगाई का हो, कंटेंट क्रिएशन का हो, गाली गलौज का हो, आईआईटी की डिग्री का हो, कोई भी मसला हो, मतलब उसको उठाना तो फिर उसको पूरा उठाना, मतलब अपने छोटे छोटे दायरे से, मतलब इस दीवार में घुसकर, अगर मैं दीवार में घुसा रहूंगा, अपने छोटे दायरे से देखूंगा तो मुझे ईट नजर आएगी, बट जैसे जैसे मैं उसके दूर जाता जाऊंगा और बिगर पिक्चर पे फोकस करता चला जाऊंगा, अपनी सोच का दायरा बढ़ाऊंगा, अपने आप को सुपीरियर बनाऊंगा, अपना पर्सपेक्टिव को एक्सपेंड करूंगा, तो मुझे पूरी दीवार, पूरा मकान, पूरे जमीन, ये सब कुछ नजर आता चला जाएगा। तो
जिंदगी में देना है तो पूरा देना, तो पूरी बात करना। इसीलिए सेक्सुअल सिलेक्शन के ऊपर पूरा 6 घंटे हमने लेक्चर दे दिया भाई साहब। मतलब छोटी बात मत करो कि ये सेक्स करना अच्छी बात है, सेक्स नहीं करना अच्छी बात है। मतलब सेक्स करने वाले भी छोटी बात मत करो, और नहीं करने वाले भी छोटी बात मत करो, और इसका इसका धंधा करने वाले भी छोटी बात मत करो, और इसको मंदा करने वाले भी छोटी बात मत करो। जो भी बात करनी है वो पूरी मोटी बात करो, फुल लॉन्ग फुल बात करो, एंड टू एंड बात करो, पूरा न्यूरोसाइंस के साथ बात करो, पूरे लॉजिक के साथ बात करो। जरूरत पड़े तो माइक्रो इलेक्ट्रॉनिक्स की लैब से माइक्रो इलेक्ट्रॉनिक्स का माइक्रोस्कोप लेके आ जाओ और पूरा घुस जाओ, तितर बितर कर दो, डिस्क्रीट एनालिसिस लगा दो। डिस्क्रीट एनालिसिस मतलब कि बाल की खाल निकाल के उस खाल के इन्फाइनाइटेसिमल टुकड़े करके एक एक टुकड़े के अंदर 500 पैरामीटर निकाल के एक एक पैरामीटर का एनालिसिस करना है। डिस्क्रीट एनालिसिस, दिस इज वॉट एन इंजीनियर डज फॉर्मली, एंड दिस इज वॉट एन IIT डज लिटिल मोर ग्रेसफुली ऑल इज लाइफ। तो देना है तो पूरा देना, गाड़ी पेट्रोल से चलती है, पेशाब से नहीं चलती भाई साहब। तो सेक्स के बारे में बात करनी है तो पूरी बात कर लेना, और यदि हम QR कोड लगा दें तो उससे हमें भिखारी मत समझ लेना। मतलब यदि समझना तो पूरा समझना कि मनी के बारे में हमने क्या क्या बोला और क्या क्या लिखा है, वो सब कुछ पूरा पकड़ना। और छोटे पकड़ लिया तो फिर वही वाली बात हो जाएगी, एक हाथी को 4 अंधे पकड़ने गए और किसी ने बोला कि ये दीवार जैसा होता है, किसी ने बोला कि ये खंबे जैसा होता है, किसी ने रस्सी जैसा होता है, किसी ने कैसा। तो अंधे जैसी बात मत करना, फुल ऑन फुल बात करना, पूरी बात करना। देना है तो पूरा देना, ये गाड़ी पेट्रोल से चलती पेशाब से चलती है, तो पूरा देना। करम मसाला मैगजीन, sure। करम मसाला मैगजीन, शनिवार को मेरे साथ दावत पे चलोगी? ओके। शनिवार को? उस दिन तुमने मुझसे वादा किया था ना कि शनिवार को तुम मेरे साथ डिनर पे चलोगे। डिनर पे चलोगी शनिवार को? शनिवार को तुम दोनों को एक एक बंगला दे दूं और एक एक मर्सिडीज दे। सर क्यों मजाक कर रहे हो? शुरू किसने किया? अरे गधों, मैं ये सोच रहा हूँ कि तुम दोनों की तनख्वाह आधी कर दो। 3 लाख रुपए मैंने खर्चा किए वो कौर पे झड़ी करने के लिए, तुम दोनों को भेजा, ये क्या लेकर आए हो तुम लोग? कुछ भी नहीं दिखाई दे रहा इसमें। सर ये मैंने नहीं खींचा, इसने खींचा। और ये सर इसने खींचा? वो भी कॉन्फिडेंटली पूछ रहा है। अच्छा, और ये? अरे मैंने इनॉग्रेशन फंक्शन में तुम दोनों को भेजा था क्योंकि चीफ मिनिस्टर जी वहां रिबन काटने वाले थे, और वो फोटोज तुम लाए हो, इसमें चीफ मिनिस्टर जी दिखाई नहीं दे रहे। ये क्या है? एक में कैंची और छाती, और दूसरे में लड़की की टांगे, और बगैर मुंडी का चीफ मिनिस्टर। सर ये कैमरा की गलती है, अगर अच्छे फोटोग्राफ चाहिए तो आप लोगों को अच्छा कैमरा भी देना चाहिए ना। कैमरा? अरे फोटोग्राफी क्या, वो सीखो पहले तुम लोग। देखो इस तरह से चलता रहा ना, तुम दोनों को मैं नौकरी से निकाल दूंगा। इधर भी कुछ खास नहीं है, इधर भी कुछ पॉकेट मार लिया, ठीक है। फिर ये बिलिंग का टाइम आ गया। हाँ ये देखिए, ये जब फोटो चुरा कर ये पहुंचता है तो यहां पर एक और खतरनाक कॉन्सेप्ट है। ये आप समझिए। देख लीजिए आप भी हमारे साथ में। ये होटल का टीवी है ना, इसीलिए हमने अपना अकाउंट लॉगिन नहीं किया है। बट आई यूज प्रीमियम YouTube ऑलवेज, ऑल सुपीरियर्स मस्ट यूज प्रीमियम YouTube। ब्रेकफास्ट में क्या खाती हो? Kellogg's muesli, 12 grains, fruits, nuts and seeds की एनर्जी वाला मेरा पावर ब्रेकफास्ट Kellogg's muesli। तो आपने किया पावर ब्रेकफास्ट?
से ज्यादा डैम है। कौन सा वो इंटरनेशनल प्रेस फोटोग्राफी का अवार्ड मिला इसे, तुमने देखा नहीं सारे अखबार में? देखिए ये आपको समझ में आ गया होगा कि फोटो चुराकर ये यहाँ पे इनाम जीत लेता है, तो अगेन इसका कॉन्फिडेंस देखो। पहली बात तो ये कितना फक्र के साथ बोल रहा है इंटरनेशनल फोटोग्राफी का अवार्ड जीता है इसने। फोटो छपी है, तुम्हारा प्रमोशन भी हो गया और कंपनी को जो इनाम 1 करोड़ मिलेगा उसमें से 10 लाख तुम्हारे लिए। थैंक यू सर। और अमेरिका की 1 महीने की ट्रिप फ्री। मैं तुम्हें और भी कुछ देना चाहता हूँ। और क्या देना चाहते हो? This is very 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 important dialogue. और क्या देना चाहते हो? Please understand, please understand, please understand. इससे खतरनाक चीज और क्या देना चाहते हो? ये 5 शब्द का जो स्टेटमेंट है ना, इतनी ऑथेंटिसिटी इसकी शक्ल पर आप देखिए, इसकी शक्ल पर आप देखिए कि और क्या देना चाहते हो। मतलब आप यहां तक पहुंच गए हो ना 20 मिनट क्रॉस करके, तो एक राज की बात है जो कि थोड़ी प्रीमियम रखते हैं हम, बट आप तक पहुंचा देते हैं। पहली बात तो इंसान को सेक्सुअल ह्यूमर से ऊपर उठना पड़ेगा, और जब मर्द सेक्सुअल ह्यूमर से ऊपर उठता है तो वो मजाक में नहीं लेता इन सब रील्स को, और जो भी लड़कीबाजी हो रही है इस दुनिया में, जो भी पोर्नोग्राफी हो रही है, उसको ना वो मजाक में साइड कर देता है, ना गंदी बात करके साइड में कर देता है, ना कुछ अनकंफर्टेबल वो फील कर रहा है इसलिए साइड में कर देता है। वो सत्य को पहचानता है कि हो क्या रहा है भाई साहब। सच्चाई तो यही है कि वो बहुत खतरनाक किस्म के बागी लोग हैं। आपने रिसर्च ही नहीं किया है एडल्ट परफॉर्मर्स के ऊपर। एडल्ट परफॉर्मर्स के बारे में आप मानते हैं कि वो बहुत गंदे आदमी है, उसकी माँ नहीं होगी, उसका बाप नहीं होगा, उसका समाज नहीं होगा, उसके रिश्तेदार नहीं होंगे। अरे भाई साहब, उसकी माँ भी है, लड़के की भी और लड़की की भी माँ भी है और बाप भी है, समाज भी है, सब कुछ है। तो वो बहुत बागी किस्म के लोग हैं। तो बागी किस्म के जो लोग जिंदगी में जो कर जाते हैं और जो कह जाते हैं और जो जी जाते हैं और जो पा जाते हैं, उससे सुलगती है पूरी दुनिया की, और दुनिया उस मैटर को टच नहीं करना चाहती, क्योंकि उसको टच करते ही एक बबूला है जो फूट जाता है और उसमें से सत्य बरस पड़ता है, और सत्य इतना खतरनाक एसिड है, जला देता है, विष की तरह है वो सत्य। तो सत्य क्या है कि वो सब बागी लोग हैं जो 2000 लड़कियों के साथ पिछले 20 साल में सेक्स कर चुके हैं। प्लीज अंडरस्टैंड, मैं नहीं कह रहा हूं कि मैं करना चाहता हूं, मेरी बात नहीं है, लेकिन एक मर्द तो करना चाहता है साहब। मैं तो बहुत सुपीरियर लेवल का मर्द हूं, तो मैं क्या करना चाहता हूं वो हम बाद में डिस्कस करेंगे, बट एक मर्द तो ये करना चाहता है भाई साहब। 20 साल में वो 2000 मस्त एकदम दुनिया में जो स्क्रीन पर बेस्ट दिख सकती हैं ब्राजर्स की और जो भी नॉटी अमेरिका की पॉन हब की, उन सब लड़कियों के साथ वो फुल खुल्लम खुल्ला सेक्स करना चाहता है, और कभी 2 के साथ करना चाहता है, और 2 के साथ वो सब करना चाहता है, 3 के साथ करना चाहता है, और उनके साथ वो सब करना चाहता है, और उनसे वो सब करवाना चाहता है। क्या बोला हमने? उनके साथ वो सब करना चाहता है, उन सब के साथ वो सब करना चाहता है, और उन सब के द्वारा वो सब करवाना चाहता है जो उसने बाल्यावस्था से देखा है। आज के टाइम तो 5-7 साल का बच्चा भी पोर्न देख रहा है, और हर पुरुष ये चाहता है कि ज्यादा से ज्यादा उस प्रकार की, हर आम आदमी चाहता है कि ज्यादा से ज्यादा उस प्रकार की औरतों के साथ में वो सब करे जो वो सब उसने देखा है, वो उसकी परम चाहत है। सेक्सुअल सिलेक्शन के 6 घंटे के लेक्चर में हमने ये तो कह ही दिया है कि पुरुष का जो जीवन है वो एक स्त्री की प्राप्ति के लिए, और एक स्त्री को प्राप्त कर ले उसी में उसका जीवन निकल जाता है वैसा बनने के लिए और वो सब प्राप्त करने के लिए जो प्री रिक्विजिट्स हैं। लेकिन चाहत और कल्पना और फैंटेसी की बात कीजिए, अब जो अल्टीमेट डिजायर है, मैं ये कहना चाह रहा हूं आपको, एक मर्द की अल्टीमेट डिजायर है कि जॉनी सिंस जैसी
2000 लड़कियां मिल जाए 20 साल के पीरियड में, और जॉनी सिंह जैसी बॉडी मिल जाए, वैसा मान मिल जाए, सिक्योरिटी मिल जाए और पैसा मिल जाए और वैसा फक्र मिल जाए अंदर से, वो रेबेलियन अंदर पैदा हो जाए, तो सवाल उठता है कि जब ये आदमी ऐसी ऐसी लड़कियों के साथ में कमरे के अंदर बंद है और ये लड़की इसके साथ ये कर रही है, वो कर रही है, वो कर रही है और ये भी कर रही है और जो मैं सोच सकता था वो भी कर रही है, वो भी कर रही है, तो अब सवाल उठता है जो ये पूछ रहा है, प्लीज अंडरस्टैंड, ये क्या बोल रहा है इसको कि कंपनी आपको, कंपनी ने जो 1 करोड़ रुपए जीता है उसमें से 10 लाख आपको मिलेंगे और आपको प्रमोशन भी हो जाएगा और जो फ्लैट मिला हुआ उसकी चाबी आपको और जो बाइक मिली भी है वो बाइक आपको और आपको अमेरिका की ट्रिप फ्री दी जा रही है, तो इसकी तड़प देखो, अब और क्या चाहिए, और क्या देना चाहते हो? तो असल में हर एक मर्द का जो सीना है, जो दिमाग है, उसका जो चैतन्य है, उसका जो अस्तित्व है, उसका जो लिंग है, उसकी जो काम वासना है, उसका जो पूरा प्रेजेंस है, उसका जो बीइंग है, ये चीख चीख के चिल्ला चिल्ला के इसी बेताबी से पूछ रहा है, इस पूरी दुनिया से, पूरी दुनिया से पूछ रहा है कि और क्या देना चाहते हो इसे? जो भी कुछ देने लायक चीज थी सभी जॉनी सिंह को दे दी, थोड़े मेरे को तो दे दो, थोड़ी बरकत मेरे को तो दे दो, मेरी भी हिस्से की और उसके भी हिस्से की और उसके भी हिस्से की और उसके भी हिस्से की, सबके हिस्से की बरकत आपने जमा करके एक आदमी को दे दी, और क्या देना चाहते हो अब? ये है भाई साहब गहराई इस स्टेटमेंट के पीछे, प्लीज अंडरस्टैंड। से तुम्हारी पगार डबल, और सुने आज से कंपनी ने जो तुम्हें बाइक दी और फ्लैट दिया है ना, दोनों की चाबियां इसे दे देना, और आज से तुम्हारी कुर्सी पे ये बैठेगा, आज से ये तुम्हारा सीनियर है और तुम उसके जूनियर, समझे? शाम का काम बात करनी, थैंक यू, राइट राइट। लड़की कैसे को धक्का देके जा रही है, चला है, चल ये क्या बकवास है, उसको अवार्ड कैसे मिल सकता है? सर आप जानते हैं कि वो एक फोटो ढंग की खींच नहीं सकता, पर आप लोग उसको, सर वो जब कैमरा पकड़ते तो ऐसा लगता है जैसे नाले पकड़ा उसने। मैं तुम दोनों को अच्छी तरीके से जानता हूँ, तुम दोनों को फोटोग्राफी नहीं आती, लेकिन उसे अवार्ड मिला है। फ्रॉड है, चीटर है वो, फोटो चोरी करके लाके कॉम्पिटिशन में देता है। मुझे अच्छी तरह पता है उसने किस दुकान में से वो फोटोग्राफ चुरा है, लेकिन भैया उसने हमारा मैगजीन गरम मसाला का नाम रोशन कर दिया। शांत हो जा, ये भूख से तेरे दिमाग में गर्मी चढ़ गई है। क्या इस गाने में कुछ खास था? इस गाने में कुछ खास नहीं है, इसके लास्ट में जब नाव का सीन आता है वहां पर एक बेसिक सा डायलॉग है, वो पता होना चाहिए, बहुत ज्यादा गहराई नहीं है, बट उसकी सच्चाई को समझना जरूरी है और उसकी अर्जेंसी को समझना बहुत जरूरी है। मुझे हीरो के बारे में कुछ नहीं पता सर। तू जितना सीधा दिखता है उतना है नहीं। लेकिन इस काम में ये झूठ क्यों कहा? अक्सर बता दो, खत्म करो, वरना पुलिस स्टेशन खत्म करते हैं। बहुत लफड़ा है, बता देता हूँ। नमस्कार।